पॉइंट्स आज हम करेंगे थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन, जिसमें हम पांच थ्योरीज करेंगे। फर्स्ट मिंट पैरिटी थ्योरी, सेकंड है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, थर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, फोर्थ है इंटरनेशनल फिशरी इफेक्ट थ्योरी एंड फिफ्थ है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। तो सबसे पहले हम करेंगे मिंट पैरिटी थ्योरी। ये सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है एक्सचेंज रेट की। ये थ्योरी तब एप्लीकेबल होती थी जब कंट्रीज में मॉनेटरी सिस्टम जो था या तो गोल्ड होता था या सिल्वर होता था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट जो है तब तय किया जाता है जब गोल्ड और सिल्वर के प्राइस जो है दो कंट्री में इक्वल हो जाते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो करेंसी जो है, दो सपोज दो कंट्री है, तो हर कंट्री जो है अपनी जो क्वाइन बना रही है उसमें जो मेटल डाल रही है उसका कितना वेट है, उस वेट के बेसिस के ऊपर ही एक्सचेंज रेट जो है वो तय किया जाता था। तो इसलिए कहा जाता है कि एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड ऑन अ वेट टू वेट बेसिस ऑफ द करेंसीज। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ईच क्वाइन की जो वैल्यू है कंटेंड इन द क्वाइन, और ये क्वाइन जो है फ्रीली सर्क्यूलेट होते थे बिटवीन कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक कंट्री ए है और दूसरी कंट्री बी है। अगर ए कंट्री जब अपनी क्वाइन बना रही है तो उसमें 10 ग्राम गोल्ड को यूज कर रही है, वही बी कंट्री जब अपना क्वाइन बना रही है तो 5 ग्राम गोल्ड को यूज कर रही है। तो एक्सचेंज रेट इन करेंसीज के बीच में क्या हो जाएगा, 1 ए इज इक्वल टू 2 बी। अब हमारे पास सेकंड थ्योरी आती है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। इस थ्योरी को दिया गया था गस्टव कैसल के द्वारा, और ये थ्योरी जो है इकोनॉमिक थ्योरी है एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन की। ये थ्योरी ये कहती है कि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन तब होगा दो कंट्रीज के बीच में अगर उन दो कंट्रीज की जो परचेजिंग पावर है वो सेम होगी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है प्राइस लेवल जो है दो कंट्रीज के बीच में सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि गुड्स इन ईच कंट्री विल कॉस्ट द सेम वंस द करेंसीज हैव बीन एक्सचेंज्ड। परचेजिंग पावर थ्योरी के दो वर्जन है, एक एब्सोल्यूट वर्जन और दूसरा रिलेटिव वर्जन। फर्स्ट आता हमारे पास एब्सोल्यूट वर्जन। एब्सोल्यूट वर्जन जो है वो बेसिक परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी ही है। इस थ्योरी में ये कहा गया है कि जब दो कंट्रीज की करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है तो वहाँ की जो गुड्स होती हैं उनकी वैल्यू जो है वो सेम हो जाती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द करेंसी ऑफ द वर्ल्ड आर कन्वर्टेड इनटू यूएस डॉलर। जो करेंसीज हैं वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं पहले उनकी कंट्री उन कंट्रीज की करेंसीज को यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि पेप्सी का प्राइस 2 US डॉलर के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस ऑफ पेप्सी हर कंट्री में 2 US डॉलर के इक्वल ही होगा जब भी उन लोकल करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा। ये थ्योरी जो है कंप्लीटली प्राइस लेवल थ्योरी कहा जाता है इसको, क्योंकि इस थ्योरी में हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स के प्राइस सेम होने की बात कर रहे हैं और अदर फैक्टर्स को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इस थ्योरी की मेन ड्रॉबैक ये है कि ये थ्योरी जो है इग्नोर करती है इन्फ्लेशन को, कंज्यूमर परचेजिंग पावर को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, टैरिफ को, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं जैसे इन्फ्लेशन, कंज्यूमर स्पेंडिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टैरिफ वगैरह, ये शॉर्ट टर्म एक्सचेंज रेट को इम्पैक्ट करती है और हम इन चीज़ों को यहाँ पे टोटली इग्नोर करते हैं इस थ्योरी में। अब नेक्स्ट आता है इसका रिलेटिव वर्जन। रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी जो है एक्सटेंशन है एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट तय करने के लिए दो कंट्री में जो गुड्स है उनकी जो वैल्यू है वो तो सेम होनी ही चाहिए, साथ के साथ यहाँ पे कोरिलेशन देखा जाता है बिटवीन प्राइस, इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज रेट। ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो परचेजिंग पावर जो होती है, जो रियल परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस का बढ़ना, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी जो है वो कम हो जाती है। सो इन ऑर्डर टू प्रॉपरली एडजस्ट द परचेजिंग पावर पैरिटी इन्फ्लेशन मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। थ्योरी है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। इस थ्योरी को डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा एक्सचेंज रेट जो है वहां पे तय होता है जहां पे
फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, मतलब डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो जाते हैं, तो वहीं पे फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो तय हो जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होगा उस करेंसी की वैल्यू जो है वो गिर जाएगी, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज जो है वो ग्रेटर देन है इट्स सप्लाई। एज ए रिजल्ट प्राइस ऑफ फॉरेन मनी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल राइज एंड द एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल फॉल। इसके बजाय अगर सरप्लस है जिस कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट उसकी जो एक्सचेंज रिजर्व है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, जिसकी वजह से उस करेंसी की वैल्यू, उस करेंसी की जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इट शोज दैट देयर इज ए ग्रेट डिमांड फॉर होम करेंसी इन द फॉरेन कंट्री देन द अवेलेबल सप्लाई। है इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट थ्योरी। सबसे पहले देख लेते हैं फिशर इफेक्ट। फिशर इफेक्ट क्या होता है? ये फिशर इफेक्ट बताता है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट। अब इंटरेस्ट रेट नॉमिनल एंड इंटरेस्ट जो रियल इंटरेस्ट रेट है इसमें दोनों को ही देखा जाता है। ये थ्योरी जो है इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट थ्योरी, इसको इरविंग फिशर के द्वारा दिया गया था। दिस थ्योरी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड बोथ टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, रियल एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट ये कहता है कि दो कंट्रीज के बीच में जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस होता है उसको हम यूज कर सकते हैं टू प्रिडिक्ट चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स। ये थ्योरी ये बताती है कि जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, क्योंकि हायर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है उसका मतलब ये हो गया कि हायर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, और हायर जो इन्फ्लेशन होगा उसकी वजह से परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि जिस कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट रेट कंट्री ए में 10% है और कंट्री बी में इंटरेस्ट रेट जो है 5% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रफली हम कह सकते हैं कि कंट्री बी की जो है करेंसी की वैल्यू जो है 5% से एप्रिशिएट हो जाएगी एज कंपेयर टू द करेंसी ऑफ कंट्री ए।